कुछ बच्चे तो ऑलरेडी डिटरमाइंड होते हैं, पर कुछ अपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ तब स्टार्ट करते हैं जब उनका कॉल लेटर उनके हाथ में आ जाता है, और तभी वो सवाल पूछते हैं कि सर मेरे पास में अपने एसएसबी में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, मुझे क्या किताबें पढ़ना चाहिए, मेरी आदतों में मुझे क्या सुधार करना चाहिए जिससे मैं अपने लेक्चरेट और जीडी को बहुत अच्छा कर पाऊं। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अब अगले 2 महीने क्या हैबिट्स को अपने ऊपर लागू करें, किन चीजों से आप अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं और एसएसबी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जीडी और लेक्चरेट की अगर हम बात करें तो ये पूरी बात जीके के आसपास घूमती है, और जीके को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें 85% पार्ट आपके स्टैटिक जीके का होता है और सिर्फ 15% पार्ट जो होता है वो आपका डायनामिक जीके होता है। आपको स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए आप जनरल नॉलेज की कोई सी भी बुक उठा लीजिए, और डायनामिक जीके आपका जो 50% पार्ट है उसके लिए आप आज से ही न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप नेक्स्ट 2 मंथ्स तक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आप उन सारे मुद्दों को कवर कर पाएंगे जिनके आसपास आपके एसएसबी में आपसे बातचीत हो सकती है। साथ ही आपको जनरल नॉलेज के लिए इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स, उन स्टेट्स की अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जैसे कि कश्मीर प्रॉब्लम, नक्सलिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिस्ट, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। साथ ही आपको इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, और साथ ही वो कंट्रीज जिनका इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रहे हैं जैसे कि इंडिया अमेरिका, इंडिया रशिया, इंडिया यूरोपियन यूनियन और साथ ही इंडिया इजराइल, इन सब के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। साथ ही वर्ल्ड के डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि क्वाड या फिर I2U2, इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। डिफरेंट सोशल इश्यूज जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सारी बातों पर भी आपको अच्छे से नजर रखना है। साथ ही आप सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम 4-5 किलोमीटर डेली दौड़िए, आपका GTO और आपका इंटरव्यू दोनों ही आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।